यूपी के महोबा से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी, 19 नवंबर को करेंगे दौरा। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 151 अंक की उछाल के साथ खुला। देश में बीते 24 घंटे में 10,229 नए कोरोना मामले आए सामने, 125 मरीजों की मौत। बाबा साहेब पुरंदरे का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। सीतापुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान की आज कोर्ट में पेशी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। लखनऊ में 75 आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्तशिल्पों और निर्यातकों के साथ साथ संवाद और परिचर्चा कार्यक्रम में वस्त्र और उद्योग मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्लूटो हॉल में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जिसमें पीयूष गोयल ने हस्तशिल्पों और निर्यातकों के साथ सुविधाओं एवं योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान हस्तशिल्पों को पहचान कार्ड दिए गए और टूल किट भी उपलब्ध कराई गई। आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, वहीं कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने शिरकत की और सभी स्टॉलों को देखा। जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है हस्तशिल्पों को, निर्यातकों को, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया और कार्यक्रम आयोजन में पीयूष गोयल ने हस्तशिल्पों निर्यातकों के साथ सुविधाओं एवं योजनाओं पर चर्चा भी की। अलीगढ़ में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी शोषित वंचित सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में ओवैसी ने अलीगढ़ में ओवैसी की सभा को हरी झंडी देने के लिए प्रशासन को धन्यवाद किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नोटबंदी और लॉकडाउन ने अलीगढ़ के कारोबार को बर्बाद कर दिया है, जबकि अमित शाह को मुसलमानों का नाम लिए बिना नींद नहीं आती। कोई एक आरएसएस का लीडर का एक बयान बता दो जहां पे लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दीनदयाल उपाध्याय से लेकर 1980 के जमाने में सावरकर की हिंदुत्व की लिखी हुई किताब को लेकर हिंदुत्व की बात रखी गई। हिंदुत्व के माने क्या है जो सावरकर ने लिखे? सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व के माने ये है कि वो शख्स, और मुसलमानों के बारे में सावरकर ने क्या कहा कि मुसलमान भारत को मदरलैंड और होली लैंड नहीं मानते। इसीलिए भाजपा महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कमल शक्ति का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ झांसी दीनदयाल सभागार में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती श्रीनिवासन ने किया है। और बता दें कि 9 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम 9 अलग अलग विषयों पर आधारित होगा। ये कार्यक्रम लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और कानपुर में भी होगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो महिलाओं को भाजपा से जोड़ने के लिए झांसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि महिलाओं को भाजपा से जोड़ने और साथ ही उनको आगे बढ़ावे के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और कानपुर में भी होगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।
मैनपुरी के भोगांव नेशनल डिग्री कॉलेज अमृत महोत्सव और परिवहन विभाग की ओर से यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी रहे। वहीं परिवहन विभाग के RI नरेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। नरेश कुमार द्वारा बताया गया है कि यातायात नियमों की जानकारी के लिए 14 नवम्बर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर NCC कैंडिडेट्स और स्कूली छात्रों द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। मैनपुरी से एक खबर सामने आ रही है जहां यातायात जागरूकता माह चल रहा है और यहां पे भी जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को जागरूक किया गया यातायात नियमों के लिए। नेशनल डिग्री कॉलेज भोगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग के समन्वय से बाल दिवस के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा जनपद के विभिन्न छात्रों के स्कूलों के माध्यम से और NCC कैडेट्स छात्रों के माध्यम से जनपद के मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी करहल थाना क्षेत्र के नगला कमले के खेत पर काम कर रहे किसान सत्य प्रकाश को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर लूट के ले गए थे। 2019 में घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं मैनपुरी पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया है। वहीं SP मैनपुरी SK राय ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए आरोपी को बेनकाब किया। 2019 में एक करहल थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें ट्रैक्टर लूट किया गया था किसान का और उसके साथ और भी बलप्रयोग हुआ था। उसमें क्राइम नंबर 301/19 कायम हुआ था, धारा 394 RIPC का। उस्मानी अभियुक्त अकाउंट फार हो गए थे, लेकिन ये CS था जो कि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम था। हमारी सर्विलांस साइबर टीम ने इसको साथ में करहल पुलिस ने इसको काफ़ी प्रयास के बाद अरेस्ट किया है। आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, साथ ही अपराधी है। मैनपुरी पुलिस लाइन में आगरा जोन की 13वीं पुलिस कुश्ती कबड्डी मुक्केबाजी भार उत्तोलन बॉडी बिल्डिंग आदि खेल प्रतियोगिता वर्ष 2021 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक द्वारा गुब्बारे उड़ाकर किया गया। ये प्रतियोगिता 16 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में कबड्डी के क्वार्टर फाइनल में जनपद मैनपुरी द्वारा जनपद हाथरस को हराया। आगरा जोन की जो बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग और कई डिसिप्लिन में मथुरा फिरोजाबाद टीम मैनेजर इस बार मैनपुरी जनपद है, उसी क्रम में आज पूरे जोन की 8 टीमें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और उनके सारी खेल का शुभारम्भ किया गया है और 16 तारीख को रेंज के IG सर के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। रायबरेली के लालगंज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां गिरधारी लाल की हार्डवेयर की दुकान है और इसी दुकान के पीछे रखे प्लास्टिक का पाइप अचानक धू-धू कर जलने लगा। पहले आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन लालगंज सूचना गई कि गुरुद्वारा रोड में एक दुकान में आग लगी। तत्काल हमारे यहाँ की एक बड़ी गाड़ी और उसके पश्चात तत्काल छोटी गाड़ी घटनास्थल पर आ गई। आग देखा गया कि एक पाइप की दुकान में लगी है, जिसको हमारी यूनिट द्वारा तत्काल
रायबरेली में पुरानी क्रेन को काटते समय बड़ा हादसा हो गया। क्रेन के मल्टी रॉड एक्सटेंशन के नीचे दबकर मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मिस्त्री का शव काफी देर तक एक्सटेंशन रॉड के नीचे दबा रहा। बाद में जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मामला डलमऊ थाना इलाके के पंप कैनाल का है, जहां कई सालों से एक पोकलैंड क्रेन खड़ी थी। वहीं ठेकेदार ने उसे कबाड़ में खरीदा था। ठेकेदार ने लालगंज के घोसियाना इलाके में रहने वाले मिस्त्री मोहम्मद शमी को उसे काटने के लिए भेजा था। वहीं मोहम्मद शमी क्रेन का काफी हिस्सा गैस कटर की मदद से काट चुका था। इसी बीच मल्टी रॉड एक्सटेंशन का भारी भरकम हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग स्थित किराना की दुकान में लूट के इरादे से पहुंचे बाइक सवार तीन दुकानदार पर हमला कर उनसे पैसे छीन कर वहां से फरार हो गए। लेकिन छीनने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम रहे। उस पर असलहे के बट से वार भी किया, जिससे दुकानदार के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के बाद बदमाश भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तीन लोग थे, दो लोग हमारे पास आए थे और एक लोग अपाची लिए थे, नीली कलर की अपाची थी, UP 70। अच्छा, एक ही गाड़ी से तीनों लोग आए? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? हमारे दुकान के सामने गाड़ी भी हमारी खड़ी थी जिससे रास्ता बंद था। हाँ। उसके बाद वो आए हमारे अंदर घुस गए, हमारे छीनने की कोशिश की हमसे। क्या छीनने की? पैसा। अच्छा। तो उसके बाद हम पकड़ लिए उनको बाहर, हम तुरंत बाहर निकल के भागे, चिल्लाने लगे तो तुरंत दो लोग हमको पकड़ने की कोशिश किए, तो हम उनका कॉलर पकड़ खींच लिया। उसके बाद दोनों लोग निकाले खोसे थे उसमें। क्या खोसे थे? उसके बाद उसी से हमको भी लोड कर रहे थे, लोड नहीं हो पाए थे, हमको मारे हैं उससे पीछे। संभल के बबराला में पिछले कई दिनों से वरदान फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म में उत्तम दीक्षित, हिंदुस्तानी सोनू राजा, संगीता आनंद, कुशवाहा विजय यादव, चंद्रपाल सिंह, संजय यादव, सुरेंद्र सिंह आदि जोरदार किरदार निभा रहे हैं। वहीं फिल्म प्रोडक्शन राज पारछा ने बताया कि ये फिल्म भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित है। फिल्म में ग्राम पंचायत अध्यक्ष का किरदार उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी निभा रहे हैं। वहीं फिल्म में कुछ नए कलाकार भी लिए गए हैं। फिल्म में एक्शन के साथ कॉमेडी ड्रामा भी शामिल है। फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। फिल्म डायरेक्टर राज पारछा इसमें पहले भी कई क्षेत्रीय फिल्म बना चुके हैं। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के 5 दिन पहले हुए BRD डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर JK सिंह हत्याकांड का स्वाट टीम, सर्विलांस और स्थानीय दुद्धी पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर JK सिंह के हत्या में शामिल उनकी पत्नी निकली, जिसमें उन्होंने प्रेमी के साथ मिलकर प्रोफेसर को पहले तो पराठे में नींद की गोली देकर सुला दिया और बाद में धारदार हथियार से गला कर हत्या कर दी। रात्रि में एक अध्यापक जो BRD डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी हत्या उनके घर में हो गई थी। उसका अनावरण किया गया है और उसमें हत्या में शामिल एक आरोपी हेमराज उर्फ आजाद और जो अध्यापक थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बारे में दोनों जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और ये बताया है कि जो अध्यापक थे उनकी अपनी पत्नी से रिश्ते बहुत ही ख़राब थे। ये बहुत लोगों से इन्होंने कर्ज ले रखा था और अपनी आय का सारा प्रोफेसर हत्याकांड का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां उनके हत्याकांड में पत्नी ही संलिप्त पाई गई है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पत्नी ने पहले पराठे में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई, उसके बाद धारदार हथियार से उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम TV के साथ।